हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसे इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं एसे ऑन टेलीविज़न पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको ये एग्ज़ाम में आ जाएगा तो एक सटीक जवाब है मेरे इस वीडियो में टेलीविज़न पर, एसे ऑन टेलीविज़न पर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स गो ऑन वीडियो। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को, एसे इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे एसे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेलीविज़न का मीनिंग मैंने दे रखा है, तो आपको चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, सब एक एक करके समझते हैं, ठीक है। टेलीविज़न इज़ ब्लेसिंग ऑफ मॉडर्न साइंस। पहला सेंटेंस कह रहा है कि मॉडर्न साइंस का ब्लेसिंग है टेलीविज़न। टेलीविज़न मॉडर्न साइंस का ब्लेसिंग है, ठीक है। इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगीबियर्ड। ये किसके द्वारा इन्वेंट हुआ है? जॉन लॉगीबियर्ड के द्वारा, ठीक है। टेली मीन्स डिस्टेंस और फार, ठीक है, मतलब दूर। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और फार, मतलब दूरी, ठीक है। एंड विजन मीन्स होता है साइट और टू सी। From radio we can only listen the sound. Radio से सिर्फ हम लोग sound सुन सकते हैं, but in television we can visualize the picture and hear the sound. मतलब क्या है कि हम लोग, लेकिन television से हम लोग picture भी देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। We can find it in almost every house. और हम लोग इसको हर घर में देखते हैं, हर घर में पाते हैं, ठीक है। Certain village community centers have provided with television sets by the government. मतलब कुछ village community center है जो क्या provide करता है, TV sets provide करता है। गवर्नमेंट के द्वारा टीवी सेट्स प्रोवाइड होता है विलेज कम्युनिटी। इसके ये जो लैंड है, सर्टेन विलेज कम्युनिटी सेंटर्स हैव प्रोवाइडेड विद टेलीविज़न सेट्स बाय द गवर्नमेंट। इसका हिंदी है, कुछ ग्राम सामुदायिक केंद्रों ने सरकार द्वारा टेलीविज़न सेट उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। द टेलीविज़न गिव्स अस मच इंटरटेनमेंट। टेलीविज़न हम लोगों को बहुत इंटरटेनमेंट करता है, ठीक है। वी कैन सी डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक फिल्म्स, शोज, इवेंट, ड्रामा, म्यूजिक, न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट बाय सिटिंग एट होम। मतलब हम लोग घर पर बैठे बैठे इन सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, है ना। हम लोग कई प्रोग्राम्स देखते हैं, शोज़ देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं। सो हम लोग घर बैठे बैठे ये अपने आप को इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप का मनोरंजन कर सकते हैं, ठीक है। मैनी प्रोग्राम्स हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर जनरल नॉलेज। कई प्रोग्राम्स ऐसे भी आते हैं जो हम लोगों को हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट टू मच इन देयर स्टडीज़। हाँ, तो कई चैनल्स ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनके पढ़ाई में, ठीक है। कई चैनल्स हैं। It is also helps student so much in their studies.
स्टूडेंट्स लोगों को जो नॉलेजेबल चैनल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उनकी स्टडीज़ में। इट इज़ मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, ये बहुत ही खूबसूरत इन्वेंशन है साइंस का, ठीक है। टेलीविज़न ऑल्सो मेक इट ईजी फॉर अ फैमिली टू बॉन्ड वेन कम टुगेदर टू वॉच स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और मूवीज़। अभी इस लाइन को ध्यान से देखिए, इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि टेलीविज़न जो है वो आसान करता है फैमिली के बॉन्डिंग में। फैमिली जब साथ में बैठकर कॉमेडी फिल्म्स देखते हैं या फिर कॉमेडी देखते हैं तो ये हम लोग फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं तो एक जो बॉन्डिंग है वो मतलब अच्छा बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है फैमिली के साथ कि फैमिली लोग जो है साथ में बैठते हैं, कुछ बातें होती हैं तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। सो हम लोग आगे देखते हैं, मेनी चैनल्स हेल्प अस हाउ टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। अब कुछ चैनल्स ऐसे भी टेलीविज़न पे आते हैं कि जो हेल्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है। It also gives knowledge about related to health, exercise and many more. हाँ, तो कई चैनल्स ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं और हेल्थ के बारे में बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, है ना, डाइट के बारे में बताते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेलीविज़न इन 21st century। अब खास बात है 21वीं सदी का टेलीविज़न की पट्टी की, वी कैन ऑल्सो ऑर्डर थिंग्स बाय सिटिंग एट होम। अब देखिए, हम लोग घर बैठे बैठे टीवी से, टेलीविज़न से सामान को ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि होम शॉप 18 चैनल है जिस पे ऑर्डर किया जाता है, तो हम लोग घर बैठे बैठे टेलीविज़न से भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ़ यू नीड फर्नीचर, ड्रेसेस, ज्वेलरी एक्सेट्रा, द जॉय इज़ दैट इट्स चैनल कम सेपरेटली। मतलब क्या है कि ऐसे चैनल्स जो हैं वो एक अलग ही से चैनल आते हैं, है ना, अलग से उसका चैनल सेपरेट रहता है। अब टेलीविज़न पर इससे तो लिख लिया, मीनिंग भी बताया, अब देखिए लास्ट में कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न लास्ट में हमें लिखना चाहिए कि वी कैन सी द होल वर्ल्ड इन अ स्मॉल बॉक्स बाय सिटिंग एट होम। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग पूरी दुनिया को एक छोटे से डिब्बे में देख सकते हैं, घर पर बैठे बैठे हम लोग पूरी दुनिया को एक छोटे से डिब्बे में देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है एसे ऑन टेलीविज़न। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एसे इंग्लिश क्लासेस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एसे इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।